गाजीपुर में शुक्रवार को जिला जज ने डीएम और एसपी के साथ जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रत्येक बैरकों की सघन तलाशी ली गई। हालांकि कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। इसके साथ ही मेस में बन रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच भी की गई। सीसीटीवी के संचालन में किसी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी गई। जिला जज सुरेंद्र सिंह, जिलाधिकारी एमपी सिंह और पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह के जिला कारागार में पहुंचते ही जेल प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों ने बैरकों की सघन तलाशी ली, साथ ही कैदियों से स्वास्थ्य के संबंध में पूछताछ करने के साथ ही मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। मेस में बन रहे भोजन के संबंध में जानकारी लेते हुए भोजन की गुणवत्ता की जांच की, साथ ही सीसीटीवी कैमरे की जांच करते हुए इसके संचालन के संबंध में जिला अधिकारी से बातचीत की गई। अधिकारियों ने कारागार प्रशासन को निर्देशित किया कि सीसीटीवी के संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। कारागार चिकित्सालय में भर्ती कैदियों से बीमारियों के संबंध में पूछताछ तथा उनके खान पान एवं साफ सफाई की जानकारी ली। अस्पताल में दवा की उपलब्धता, सैनिटाइजेशन एवं बंदियों का कोविड की जांच के संबंध में भी पूछताछ की गई। अधिकारियों ने सभी को प्रत्येक दशा में मास्क का प्रयोग करने की सलाह दी। जिला कारागार के हवालात कार्यालय के स्टॉक रजिस्टर की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक शहर गोपीनाथ सोनी, क्षेत्राधिकारी सदर गौरव सिंह, जेल अधीक्षक एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण कर अधिकारियों के लौटने के बाद जेल प्रशासन ने राहत की सांस ली। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।